एक तरफ जहां इंदौर स्वच्छता की हैट्रिक लगाकर देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है, वहीं अब शहर को साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया बनाने की दिशा में भी कवायद शुरू हो चुकी है। इसे लेकर हाल ही में हुई ट्रैफिक कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि स्वच्छता के बाद अब प्रशासनिक मशीनरी इंदौर को साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साइलेंट सिटी के तौर पर पहले शहर के कुछ प्रमुख इलाकों को चिन्हित कर साइलेंट जोन घोषित किया जाएगा, उसके बाद पूरे इंदौर शहर को साइलेंट सिटी में तब्दील करने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। लोग अभी 20-22 पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हांकित किए थे, लेकिन उनमें से हमको एक या दो पॉइंट चुनने हैं। हम लोग एक या दो पॉइंट से ही शुरू करेंगे और वहाँ पर अपने वॉलंटियर्स लगा के कोशिश करेंगे उसको पूरी तरीके से साइलेंट जोन बनाया जाए। हमारी जो प्लानिंग है वो इस प्रकार से है कि हम लोग इसको एक जन आंदोलन का रूप दें और लोग खुद ही डिमांड करें कि हमारे एरिया में भी इस प्रकार का साइलेंट जोन होना चाहिए। तब मुझे लगता है कि इस मूवमेंट पूरी तरीके से शहर भर में फैल पाएगा। एक दो जगहों पे हम करके दिखाएंगे, उसके बाद लोगों से जब स्वयं डिमांड आने लग जाएगी तो हम उसको शहर भर में स्केल अप करेंगे।